अजाब से अगर तू बचना चाहता है तो हाँ सत्य है, सत्य है, हाँ नहीं होगी ना। अगर तू बचना चाहता है तो जिसके साथ तू गलत काम कर रहा था उसका पैर पकड़कर माफी मांग ले, हम तुझे छोड़ देंगे। लड़की के पैर पड़ो और हाथ जोड़कर बोलो बेटी मुझे माफ कर दो। बेटी हाँ काका जी सारे जिला पंचायत खड़े हो, माफी कैसे मांगा जाता मालूम भाई? हाँ क्या मांग रहे हो? अच्छा ऐसे मांगा जाता है, ऐसे नहीं, उसका पैर पकड़कर माफी मांगो, बेटी मुझे माफ कर दो। अरे जाइए चाचा जी माफ कर दिए। राजकुमार अपना काम पूरा हो गया, पूरा हो गया, चला जाइए। चलो आपका इज्जत बताए मुझसे काम थोड़ी। तुम्हारे भाई हैं जहाँ खाते हैं वही खिलाते। तुम्हारे भाई से हमको दो बात करना है, उनको भेज दीजिए। नहीं है तुम यहाँ से जाओ अब। नहीं इनको पकड़ दी, तुम बीच में आ गए। राजकुमार इधर आओ। देखो ऐसा है वो तुमसे नहीं हमसे बात करना चाहती है। अच्छा हाँ वो कह रहे तुम जाओ तो जाए। नहीं जाओ मत, एक काम करो उस समय चौराहा है ना, चल के वहाँ पे चाय नाश्ता करो। पैसा कैसे मैं दूंगा? हाँ तो हम पैसा लाए नहीं। अरे भाई तुम चलो करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे। हम चले हुआ चाय वाय पी पीला खाई। हाँ हाँ तो वो पैसा देगा। हाँ पैसा भी दूंगा। अवला बाबा कहो काम भेजाइया तो गिलास चाय वाला हमसे गिला दो। पागल ऐसी बात नहीं है। का एक पत्थर पाओ का है का वही सर। मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे। हाँ तुरंत आ रहा हूँ। तुरंत आया भैया तुरंत चलो बस चाय नाश्ता करो बस। बोलो जी क्या बात है? सुनिए अरे अपने घर में बड़ा रखी
इसलिए विक्रम बाबू आज हमें क्षमा कर दो, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। ऐसी कोई भूल नहीं हुई है, तुम्हारी गलती कुछ भी नहीं है उसमें। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप की सी हालत देखेगा तो एक बार गुस्से से उबल तो जाएगा ही, और उबल कर क्या कह दे उसका कोई वो नहीं है। इसलिए तुम्हारे बात को मैं कतई बुरा माना ही नहीं उसको, और ऐसा किस बात का सुनिए। तो बिजली इसमें है नहीं कुछ मेरा, सत्य है घर किसी की रक्षा सिर्फ भगवान करता है, इंसान नहीं करता है। जैसे कि तुम्हारी रक्षा के लिए मुझे भेज दिया, बस ये तो बात सही है। लेकिन विक्रम बाबू मैं आपसे और भी कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो क्या कहना चाहती हूँ। सुनिए भैया हरम, एक लड़की है के इनसे हम चिपका कही, अगर अब भाई और क्यों चिपक जाए तो हमका चिपका लिया, लेकिन तो भागा था बिजली। लड़का है के लड़की से रहता हूँ बताओ। मैं जानता हूँ तुम जो सोच से कर ये बातें कर रही हो ना, वो तुम्हारा सोचना गलत है। तुम सोच रही हो कि मैं अजीत प्रताप सिंह का बेटा हूँ, लेकिन ये तुम्हारी भूल है, मैं उनका बेटा नहीं हूँ। अरे मैं तो वो इंसान हूँ जिसका दुनिया में कोई है ही नहीं है। आप अरे बाबू कहना क्या चाहते हैं सुनिए। मैं मात्र 2 साल का था तभी हमारे माता पिता का देहांत हुआ। मैं से प्रधान की गोद में पला बढ़ा, पढ़ा लिखा हर चीज किया, और प्रधान की मेरे कुछ भी नहीं है। और आज तो मैं उस मुकाम पे पहुंचा हूँ जिसके लिए न रहने के लिए घर है, न खाने के लिए भोजन है, और न सोने के लिए बिस्तर है। मैं एकदम रोड छाप हूँ, मेरे हर कदम पर कांटे हैं, और विक्रम बाबू नहीं चल सकूँ। आप ये क्या सोच रहे हैं कि मैं तुम्हें धोखा दे दूंगी? आपके हर एक कांटे पे चलने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे ठुकराइए नहीं। अरे अच्छा सा जीवन है तुम्हारा, कोई अच्छा सा वर देख करके सगाई करो, अच्छा सा जीवन बिताओ। मुझे भाग्य के साथ में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो मैं जाके किसी दूसरे से प्यार करूं, दूसरे से शादी रखूं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आज
हमें आप ठुकरा देंगे तो मैं यहीं पे अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं सकती। ये गलत बात है। देखो वीरी, अगर तुम नहीं मानती हो तो क्या ये बता सकती हो कि कहीं मेरा साथ छोड़ोगे? बिगड़ा बाबू, मैं किसकी कसम खाऊं, कैसे विश्वास दिलाऊं, मैं कभी आपके साथ नहीं छोड़ूंगी। अगर ऐसी बात है तो आज विक्रम ही वादा करता है। Earth want water, flower want dew, you like me, I like you, I love मेरे राजा। देखिए, हाँ, मैं यही भगवान से विनती करूंगी कि हर जन्म में तुम्हारा साथ हो, हमारे साथ में। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे कुछ करो ना। क्या करूँ? प्यार। प्यार? हाँ, आज तक कभी किया ही नहीं, कैसे होता है? ले भैया, अभी का यह बताओ पर कैसे कैसे काम करा जा। अच्छा, तुमने किया है? तुमने किया है बता दो। किया नहीं है। हाँ, एक बार मैं चिपको चिपको अब बताओ तो चिपको रहा है। एक बार बोलो। हाँ, सती क्या मैं जिस दिन भूला तू हो गया तेरा प्यार मुझसे, वो दिन आखिरी है। इसमें तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। गरीब हो? बहुत गरीब है बच्चे, यह मिल जाए बाकी सब कुछ भरा जरा। यहाँ सब्जी की दुकान कहाँ लगी है? बंधा गोभी करेला ऐसे बाहर आ गए पागल कहीं का। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए व्यवस्था मैंने कर दिया, क्यों परेशान हो रहे? कहाँ माँ भैया, लेकिन थोड़ा कमी है यार। कमी चल जाए सामान, ये चांद की लंगड़ी है चलेगा? लंगड़ी धोड़ी गोरे हाथ सब कुबेर हो गया, हमें शुद्ध चीज बताओ यार। अच्छा ये कौन है? बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है लेकिन थोड़ा सा कमी उसमें चले।
गूंगी है। गूंगी ना? हाँ। ये तो चल मरी जाएगी। चलेगी? हाँ ना पुलिस आए गांव दिया तुझे तो पूछे हैं गूंगी का बात है क्या? हाँ तो? तो बताए क्या है? वो कहे मुझे अपने दिल से